उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ प्रदेश के उन डिजास्टर जोन को लेकर चिंता बढ़ गई है जो न केवल उत्तराखंड बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद संवेदनशील माने गए हैं। अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य के कई इलाके भूस्खलन क्षेत्र में ही बसाए गए हैं, इसलिए मानसून की आहट ऐसे इलाकों में बड़े खतरे के रूप में देखी जाती है। बड़ी बात यह है कि जिन जिलों को भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील माना गया है, ऐसे क्षेत्रों में भी बड़े निर्माण से परहेज नहीं किया जा रहा, इसलिए मानसून में नई चुनौतियों को खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड में मानसून दाखिल हो चुका है। प्री मानसून के चलते बारिश का सिलसिला राज्य के कई इलाकों में पहले से ही चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड के लिए यह वक्त मानसून का स्वागत करने से ज्यादा भविष्य के खतरों से निपटने वाला है। खासतौर पर पर्वतीय जनपदों के लिए मानसून के दौरान फुल प्रूफ प्लान बेहद जरूरी है। तमाम पर्यावरणविद इसी चिंता के साथ मानसून के दौरान भूस्खलन की संभावना को बयां कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जिन जिलों को इसरो की रिपोर्ट में संवेदनशील माना गया था, वहां पर बड़े निर्माण से परहेज नहीं किया गया। स्थिति यह है कि अब मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सबसे ज्यादा खतरा ऐसे ही जिलों या इलाकों में माना जा रहा है। वैज्ञानिक पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार गर्मी ने जिस तरह रिकॉर्ड तोड़े हैं, इस तरह बारिश भी पिछले सालों की तुलना में ज्यादा हो सकती है। वैज्ञानिकों का यह आकलन उत्तराखंड के लिए किसी बड़ी चिंता से कम नहीं है। जो जिले भूस्खलन के लिहाज से डिजास्टर जोन के रूप में देखे जा रहे हैं, वहां भारी बारिश की कल्पना पिछली आपदाओं की यादों को ताजा कर रही है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीयूष रौतेला कहते हैं कि प्रदेश में लोगों ने पारंपरिक वास स्थलों को छोड़कर बड़ी गलती की है। पहाड़ के अधिकतर इलाके लैंडस्लाइड जोन पर मौजूद हैं। पूर्व में लोग किसी कठोर चट्टान पर ही बसते थे, अब लोगों ने सुविधा के लिए कमजोर इलाकों में बसना शुरू कर दिया है और वहीं से खतरा बढ़ता चला गया। नहीं, जो पारंपरिक हमारे रूप से शहर थे, क्योंकि बसने के लिए आपको खेती और पानी चाहिए और खेती और पानी जो है वो लैंडस्लाइड के पास होगी, परंतु साथ ही यहाँ के जो लोग थे परंपरागत रूप से जानते थे कि जो ये लैंडस्लाइड मटेरियल है ये रिएक्टिवेट हो सकता है, तो वो इसके ठीक ऊपर नहीं बसते थे। बसने के लिए ऊपर जो पत्थर वाली ज़मीन थी उसके ऊपर बसते थे, खेती के लिए पानी के लिए रोज़ 2-4 किलोमीटर चला करते थे। परंतु समय के साथ हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आया, हमें आराम चाहिए, नीचे सड़क आ गई, तो हम आके उन स्थानों पे बसने लगे जहाँ पे हमारे पूर्वज नहीं बसा करते थे। प्रदेश में मानसून के दौरान होने वाले भूस्खलन के पीछे कई वजह है और इसको लेकर भी तमाम बातें अध्ययन के दौरान सामने आई हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन क्षेत्र के रूप में डिजास्टर जोन की गंभीरता को इस बात से ही समझा जा सकता है कि इसरो की एक रिपोर्ट में देश भर के करीब 147 शहरों में से उत्तराखंड के कई शहरों को टॉप 10 में जगह दी गई थी। यही नहीं, पूरे देश में रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला पहले और दूसरे नंबर पर दर्ज किया गया था। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े तमाम रिकॉर्ड एनालिसिस करने वाले अनूप नौटियाल इन्हीं स्थितियों को जाहिर करते हैं। अनूप नौटियाल कहते हैं कि जिस तरह इसरो की रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड में भूस्खलन को लेकर संवेदनशीलता सामने आई है, उसके बाद राज्य सरकार को कई कदम उठाए जाने की जरूरत है, लेकिन सरकार की ओर से इतनी महत्वपूर्ण संस्थान की रिपोर्ट पर भी काम नहीं हो पाया। नतीजा ये रहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के कई जिलों को लैंडस्लाइड जोन के रूप में दर्ज करने के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। लैंडस्लाइड सेंसिटिविटी के ऊपर एक आकलन किया गया था और 1-2-3 करके बताया गया था कि कौन सा जिला सबसे संवेदनशील है। उत्तराखंड के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खतरे की घंटी कि हमारे प्रदेश का रुद्रप्रयाग जिला इन 147 जिलों की फेरिस्त में सबसे ऊपर था, उसके बाद में दूसरे नंबर पर टिहरी जिला था और इसी पूरी फेरिस्त के जो टॉप जो 30 जिले थे उनमें से 6 जिले हमारे उत्तराखंड राज्य के थे। इन तमाम तथ्यों के बाद में, जो कि स्वयं सरकार के एक प्रतिष्ठित इसरो संस्थान के माध्यम से जानकारी आई है, मुझे कभी पिछले एक साल में ये प्रतीत नहीं हुआ, नहीं दिखाई दिया कि उत्तराखंड राज्य ने कहीं पर भी इस बात का इस स्वयं इसरो की रिपोर्ट का उस तथ्य का कहीं आत्मसात किया हो। राष्ट्रीय स्तर पर कई जिलों की स्थितियों को देखकर इसरो ने पूर्व में अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे देश भर के इन तमाम जिलों में होने वाले भूस्खलन को लेकर संवेदनशीलता का अध्ययन किया गया था।
इस रिपोर्ट में उत्तराखंड के जिलों की क्या स्थिति है बिंदुवार देखिए। मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही पर्यावरणविद नए खतरों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, इसलिए तमाम पर्यावरणविद और वैज्ञानिक एक मंच पर आकर इसके समाधान को लेकर सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक जो अध्ययन हुए हैं उसके आधार पर सरकार को कदम उठाना चाहिए और तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों की रिपोर्ट को नजरअंदाज करने के बजाय एक्शन प्लान के आधार पर ठोस उपाय लागू करने चाहिए।